करीब लगभग 2 घंटे हमने बैठ के बातचीत करी है। अच्छी बातचीत हुई है, अच्छी बात हुई है। हमने अपने जो कार्यकर्ता हैं उन सबकी भावनाओं से उनका अवगत कराया। इस प्रकार से आज देश के अंदर कांग्रेस कार्यकर्ता माहौल है, क्या वो सोचता है, क्या हमारे नेता सोचते हैं विभिन्न राज्यों के अंदर, और क्या हम लोग सोचते हैं, खुल के बातचीत उनसे हमने करी है। और हमने ये भी कहा है कि जो वर्तमान परिस्थिति देश की बनी है, चुनाव में हार जीत होती रहती है, पहले भी हुई है, उन्होंने हमारी बात को बहुत जाने सुना है और हमने अपनी बात दिल से कही है सबने मिल करके। हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारी बातों को गौर करेंगे और समय आने पर सही फैसला करेंगे। उन्होंने कुछ कहा राहुल गांधी, उन्होंने कुछ कहा कि मैं तैयार हूँ, क्योंकि आपके ट्वीट के बाद आज संसद भवन में हमने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि अपनी राय मैं दे चुका हूँ, मैं अपने स्टैंड पर कायम। हमने अपनी भावना बता दी उनको सबने मिल करके और खुल के बातचीत हुई है, लंबी बातचीत हुई है, दिल से बातचीत हुई है। और हम चाहते हैं कि आज की परिस्थिति में राहुल गांधी जी की जो उनका संदेश देश को, जिन्होंने इश्यू बेस्ड राजनीति करी, चुनाव के अंदर भी, चुनाव में इश्यू बेस्ड राजनीति करना, कैंपेन करना, प्रिंसिपल पॉलिसी प्रोग्राम पर वो उन्होंने अडॉप्ट किया था पिछले चुनाव के अंदर, और दूसरे पक्ष ने देशभक्ति के नाम पे गुमराह किया देश को, दूसरे पक्ष ने मोदी जी ने जिस प्रकार से सेना के पीछे छिपके राजनीति करी, लोगों को धर्म के नाम पे गुमराह किया, माहौल बना दिया कि जो इश्यू थे उनके, ना तो विकास की बात करी, ना अर्थव्यवस्था की बात करी, ना रोजगार की बात करी, सारे इश्यू जो कंट्री में थे उनको पीछे ले गए अपनी राजनीति के लिए, चुनाव जीतने के लिए। वो जाति या धर्म के नाम पर या सेना के पीछे छिपके राजनीति करना अलग बात है। इस प्रकार से राजनीति हुई, राहुल गांधी जमकर के कैंपेन किया, आज पूरा देश इस बात का लोहा मानता है। राहुल गांधी सर, खबरें आ रही कि आपने और कमलनाथ जी ने इस्तीफे की पेशकश कर दी मुख्यमंत्री पद से, कुछ चैनल ऐसा चला रहे, क्या ये सही है? क्या कह रहे हैं आपने और कमलनाथ जी ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है राहुल गांधी के सामने? कुछ भी पेशकश तो आज क्या की, जिस दिन चुनाव के परिणाम आए थे उस दिन से इस्तीफे की पेशकश होती है। मुख्यमंत्रियों के लिए चुने हुई सरकार होती है, उनको तो इस्तीफा रखना ही पड़ता है। वो चुनाव के अंदर हमेशा हाईकमांड फैसला करता है कि आगे हमें क्या फैसले करने हैं। पूरी वर्किंग कमेटी ने राहुल गांधी जी को अधिकृत कर दिया है, वो जो चाहें वो फैसला करे, पुनर्गठन करे, रिप्लेसमेंट करे, कुछ भी करे। ये फैसला 25 अगस्त को हो चुका है, उससे कोई चर्चा का विषय नहीं है। 25 जून को हो चुका है। सर, लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है कि क्या राहुल गांधी मान गए? इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि राहुल गांधी जी ने हमारी बातों को गौर से सुना है, चुनाव गौर से सुना है। हम उम्मीद करते हैं कि वो पॉजिटिव फैसला करेंगे। लेकिन सर, अभी भी आड़े लग रहे तो आगे क्या रास्ता होगा सर? मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुंचे हैं। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, राहुल गांधी पर लगातार पीछे चलो, कैमरा स्टैंड पे चलो।
स्टैंड पे चलो यार, स्टैंड पे चलो, स्टैंड पे फाइट होगी। स्टैंड पे चलिए क्या ब्रास, कैमरा भाई चल चल क्या ब्रास, स्टैंड पे चलो यार। अरे पीछे चलो यार कैमरा, चलो भैया चलो कैमरा कैप्टन साहब, कैप्टन साहब, कैप्टन साहब की तुसी की तुसी कैप्टन साहब बिल्कुल ना दियो सानू नहीं मिली। अरे सर शीशा तो नीचे करो, आप भी नहीं करेंगे सर, आगे जाओ 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 आगे जाओ